हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ग्रेटर नोएडा में दरअसल एम्बुलेंस कर्मचारियों पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या आरोप लगा है, तो ये भी जान लीजिए। आरोप ये है कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कर्मचारी युवक को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। देखिए उसके बाद क्या हुआ, क्या पूरी खबर और आखिर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने ऐसा क्यों किया, ये पूरी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। माय नेम इज मुरलीधर, आई एम नॉट कोरोना पेशेंट। पहली नजर में आपको ये कहानी थोड़ी फिल्मी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। क्या है इनका पूरा सच, कौन है ये मुरलीधर और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप सुनिए। हम नोएडा क्वारंटाइन हॉस्टल से आ रहे, फिलहाल दादरी पावर हाउस जा रहे हैं। वहाँ से कैसे आए यहाँ तक? एम्बुलेंस आए। अच्छा, तो आपको एम्बुलेंस ने घर तक नहीं छोड़ा? बताया नहीं आपने घर उनको? हमने बोला था कि हमको दादरी पावर हाउस छोड़ दो। मुरलीधर को बीमार पड़ने पर ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में क्वारंटीन किया गया था। बाद में रिपोर्ट नेगेटिव आई तो अस्पताल से मुरलीधर को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन आरोप है कि घर के पते को लेकर कुछ असमंजस होने पर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने मुरलीधर को घर के बजाय बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। क्वारंटाइन के लिए हमको 5 तारीख को इसमें लिखा हुआ है। हमने एम्बुलेंस वालों से कहा, लेकिन एम्बुलेंस वालों ने घर नहीं छोड़ा। कौन सी एम्बुलेंस थी? 101। मुरलीधर ग्रेटर नोएडा के पावर स्टेशन पर काम करते हैं। घर तक जाने का साधन न मिलने पर मुरलीधर सड़क पर ही इधर उधर भटकते हैं। लोगों को मुरलीधर पर कोरोना संक्रमित होने का शक हुआ तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मुरलीधर का चेकअप करा के सुरक्षित घर पहुंचाया। तो ऐसे होटल में क्वारंटाइन पर जी, वो नेगेटिव आई है, कुछ एड्रेस का वो मिसमैच हो गया, इसलिए यहाँ पहुँच गया।